तेग बहादुर जी। धर्म हे साका जिन किया, शीस दिया पर सिर न दिया। श्री गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म के नौवें गुरु सन। उन्हों का व्यक्तित्व बहुमुखी और विलखण सी। आप ने धर्म की राखी लिए महान कुरबानी दी, इसलिए आप जी ने हिंद की चादर कह के सत्कारिया जाता है। तिलक जंजू राखा प्रभताका, किनो बड़ो कलो मह साखा। जन्म अते माता पिता। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 ईस्वी को अमृतसर विखे श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी घर माता नानकी जी की कुखों होया। आप जी के बचपन का नाम त्यागमल सी ते आप गुरु साहिब के छोटे सपुत्र सन। आप जी का बचपन अमृतसर विखे ही बीतया। फिर आप अपने माता पिता जी के नाल करतारपुर आ गए। गृहस्थ जीवन। आप जी का विआह 1634 ईस्वी विच करतारपुर विखे ही माता गुजरी जी नाल होया। आप दे घर गुरु गोविंद सिंह जी वर्गे नेक सरबंसदानी पुत्र ने जन्म लिया। एकांत पसंद। आप जी का निजी जीवन सादा सी। आप एकांत विच अडोल रह के परमात्मा का सिमरन करते सन। गुरु हरगोबिंद जी ने ज्योति जोत समाउण तो मगरों आप पिंड वकाला विच आ गए ते उत्थे 20 साल भोरे विच बैठ के सिमरन करते रहे। गुरगद्दी। 8वें गुरु हरकृष्ण जी दे ज्योति जोत समाउण तो पहला संगतां नूं बाबा बकाले कह के आप जी नूं गुरगद्दी सौंपी। पर आप दे गुरु प्रगट होने की कथा निराली है। जिस वेले गुरु हरकृष्ण जी ने बाबा बकाले वाले इशारा किया तो उत्थे कई दंभी अपने आप नूं गुरगद्दी दे मालक दसन लगे। इस तरह उत्थे 22 गुरु बन बैठे। गुरु लादोरे। आखिर 1 साल पिछों भाई मक्खन शाह लुवाना, जिसका जहाज समुद्र की घूमन घेरी विचों गुरु की कृपा नाल पार लगा सी, अपने सुख दियां 500 मोहर लैके बाबा बकाले पुजा। उसने हर पेसी गुरु अगे 5-5 मोहर रख के मत्था टेकया। जदों उसने गुरु तेग बहादुर जी अगे 5 मोहर भेंट कीतियां तो गुरु जी ने कहा कि 500 मोहर सुख के केवल 5 भेंट कर रहा है, इस तरह बचन तो फिर रहा है। यह सुन के उसने 500 मोहर गुरु अगे भेंट कीतियां अते उच्ची उच्ची रौला पाउण लगा, गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे। धर्म प्रचार। इस तरह गुरु रूप विच प्रगट होने तो मगरों गुरु तेग बहादुर जी ने दूर दूर तक धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिता। अपने सपुत्र गोविंद राय ने सिद्धक वीरता अते पवित्रता दे सांचे विच टालिया। आनंदपुर वसाउणा। बाबा बकाले तो आप जी कीरतपुर पुजे अते फिर कहलूर दे राजे तो जमीन खरीद के आनंदपुर साहिब लंगर वसाया, जिथे गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। कश्मीरी पंडितों की पुकार। उस समय मुगल बादशाह औरंगजेब के हुक्म अनुसार कश्मीर का सूबेदार शेर अफगान तलवार के जोर नाल कश्मीरी पंडितों को मुसलमान बना रहा सी। कश्मीर के दुखी पंडितों ने गुरु जी अगे फरियाद की। बालक गोविंद राय जी की बेनती उत्ते गुरु तेग बहादुर जी तिलक जंजू की रखवाली लई अपनी कुरबानी देने लई तैयार हो गए। गिरफ्तारी। इस तो पिछों आप धर्म प्रचार करते हुए आगरे पुजे। इत्थे गुरु जी ने उन्हां दे 5 सिखां समेत गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली विच मस्जिद नेड़े एक टठी हुई इमारत विच कैद रखा गया। आप द्वारा हुकूमत की नीति अनुसार इस्लाम धर्म कबूल ना करन करके आप जी नूं चांदनी चौंक की कोतवाली विच अनेकां कष्ट दिते गए, पर आप अडोल रहे। शहीदी। गुरु जी की दृढ़ता देख के हाकमां ने पहला आप जी के सिखां नूं शहीद किया। भाई मतीदास जी नूं आरे नाल चीर दिता गया। भाई सतीदास जी नूं रूम विच लपेट के साड़ दिता गया। भाई दयाला जी नूं उबलदी तेग विच पा के शहीद कर दिता गया। अंत गुरु जी नूं शहीदी देण लई कहा गया। आप इशनान करके बोहड़ दे रुख हेठ बैठ गए। आप जी ने जपजी साहिब दा पाठ करन उपरंत परमात्मा अगे सिर नवाया अते जलाद दे तलवार नाल आप दा सिर धर तों वक कर दिता। इस तरह अपना सीस दिता पर सिर न दिता। यह महान बलिदान 11 नवंबर 1675 ईस्वी नूं होया। इस स्थान उत्ते अजकल गुरुद्वारा सीसगंज सुशोभित है। इत्थे हजारां श्रद्धालु शहीदां दे सिरताज हिंदी चादर धर्म रखक गुरु तेग बहादुर जी नूं श्रद्धांजलि भेंट करन लई पुजदे हन। बाणी। गुरु जी की बाणी शांति देने वाली ते परमात्मा दे गीत गाउण दी प्रेरणा देने वाली है। जिवें चिंता तंग कीजिए जो अनहोनी होए, यह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। गुरु ग्रंथ साहिब जी विच आप जी के 59 श्लोक ते 57 शब्द दर्ज हैं। लोगों की सोचनी विच इनकलाब। गुरु जी की महान कुरबानी ने लोगों की सोचनी विच इनकलाब लिया। आप दी कुरबानी मंगरों ही गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की साजना की, जालिम हुकूमत दी जड़ा हिला के रख दित्तियां।